वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सुजुकी बर्गमैन के BS6 मॉडल के बारे में और इसका एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज में कोई ज़्यादा खास रिविजन्स नहीं करे हैं कंपनी ने। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यूरोपियन मैक्सी स्कूटर जैसा लुक देखने को मिलता है। वन पीस LED हेडलैम्प मिलता है जिसमें साइड माउंटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये इंडिकेटर्स कन्वेंशनल इंडिकेटर्स हैं, LED इंडिकेटर्स नहीं मिलते। यहाँ पर आपको एक विंडशील्ड मिलती है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी और ऊँची होती तो ये यूज़फुल हो जाती और यूजेबल रहती। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें और पार्ट्स की पैनलिंग देखें तो पैनलिंग में फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दिया है कंपनी ने। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैट पेंट स्कीम है और यहाँ पर ग्लॉसी पेंट स्कीम का यूज़ आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको अब इसमें फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये BS6 मॉडल हो चुकी है और अभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गई है तो अब इसमें फ्यूल इंजेक्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम का स्टिकर मिलता है और जी हाँ, इसमें आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है जिसमें ये होगा कि जब भी आप पैनिक सिचुएशन में रेयर ब्रेक दबाएंगे यानी पिछला ब्रेक दबाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कुछ रेशो में अगला ब्रेक भी दब जाएगा, जो कि जब मैंने अभी गाड़ी चलाई तो अगला ब्रेक जो है वो काफ़ी अच्छे से ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम कर रहा था। यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाती है तो उससे ये रहता है कि आपकी गाड़ी जो है ईजिली रुक जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं ब्रेकिंग आपको अगला पिछला दोनों साथ में दबाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ आपको ना करने के बजाय ये कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कर देगा। इंजन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इंजन कवर आपको ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक के साथ पेंट स्कीम के साथ देखने को मिलता है। यहाँ किक स्टार्टर मिल जाता है। इंजन की बात करें तो आपको ये मिलता है 124 cc का इंजन जो कि मैक्स पावर 8.7 PS की प्रोड्यूस करता है 6750 RPM पर और टॉर्क जो है वो 10 न्यूटन मीटर्स का प्रोड्यूस करता है। इंजन चलने में काफ़ी पंची है, काफ़ी अच्छा है। जब मैंने चलाई तो गाड़ी हाईवे पे अप्रॉक्स आराम से आप 60 से 70 के बीच में क्रूज़ कर सकते हैं अगर आप सिंगल राइडर हैं, आप अकेले विदाउट पिलियन राइड कर रहे हैं। इंजन परफॉर्मेंस लाजवाब है 125 cc में। इनफैक्ट एक्टिवा 125 के कंपैरिजन में सीधा सीधा आपको बोलूँगा अगर आपको इंजन परफॉर्मेंस चाहिए तो बर्गमैन या एक्सेस, दोनों में सेम इंजन शेड है, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर डील रहेगी। सस्पेंशन की बात करें अगर हम यहाँ पर तो सस्पेंशन आप देख सकते हैं ये आपको हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन ये एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है। तो कंपनी अगर इसमें 3-स्टेप एडजस्टिंग देती तो वो थोड़ा सा अच्छी चीज़ रहती कि प्रीलोड आप इसमें एडजस्ट कर सकते होते अपने हिसाब से। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप अगर मैं ओवरऑल देखूं कि सस्पेंशन सेटअप गाड़ी का कैसा है, आप ये मुझसे पूछेंगे कि इंडियन रोड्स के हिसाब से अच्छा है या नहीं, पॉट होल्स एब्जॉर्ब करेगी नहीं, पॉट होल्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ी कूदेगी नहीं, बाउंस नहीं करेगी, ये अच्छी चीज़ है। तो सस्पेंशन डैम्पिंग भी काफ़ी अच्छी है और क्योंकि फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसकी भी डैम्पिंग अच्छी है, तो फ्रंट ब्रेक जब आप दबाएंगे तो सस्पेंशन कंप्रेस होगा जिस वजह से फ्रंट ब्रेकिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब आप ये पूछेंगे सस्पेंशन सेटअप है कैसा, हार्ड है या सॉफ्ट है, मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट सस्पेंशन सेटअप आप मुझे लगा इस गाड़ी में। कि क्या है कि जहाँ पर हार्ड होना चाहिए वहाँ पर आपको ये हार्ड होगा, जैसे स्ट्रेट रोड्स पर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में हार्डर सस्पेंशन की ज़रूरत रहती है हैंडलिंग में, वहाँ पर ये चीज़ हार्ड रहेगी। और जब भी आप स्पीड ब्रेकर्स पर जाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको अच्छी डैम्पिंग देगा जिस वजह से स्पीड ब्रेकर्स पर भी आपको कमी महसूस नहीं होगी और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में भी कमी महसूस नहीं होगी। अब आप ये पूछेंगे कि इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, तो इंजन परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा है। वाइब्रेशंस और रैटलिंग की इस गाड़ी में कोई नामोनिशान नहीं है, वाइब्रेशन आपको बिल्कुल फील नहीं होंगे। लोग कहते हैं एक्सेस में वाइब्रेशन आता है, वो एक्चुअली वाइब्रेशन नहीं, वो कंबशन साउंड होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट भी कंपनी ने इसका रिफाइंड कर दिया है। पिकअप गाड़ी का बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आप दो लोग बिठा के भी हिली एरियाज पर राइड करते हैं तो आपको पिकअप में और परफॉर्मेंस में कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि 10 न्यूटन मीटर्स का ही मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ अगर, तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको इजी स्टार्ट सिस्टम मिल जाता है जिसमें आप इस बटन को दबा के छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक इंजन क्रैंक कर लेगा। ये देख सकते हैं आप, ये इसका ट्यूटोरियल। तो एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो एग्जॉस्ट नोट पहले से ज़्यादा रिफाइंड अब साउंड कर रहा है। मतलब इंजन से और कंफर्ट से इस गाड़ी से मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, काफ़ी अच्छा इंजन कंपनी ने दिया है। इंजन रिफाइनमेंट वाइब्रेशन ये दो चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं, वाइब्रेशन नहीं है, रिफाइनमेंट लेवल बहुत अच्छा है इसमें और पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। टॉप स्पीड अभी मैं नहीं देख पाया ना क्रूजिंग स्पीड अप्रॉक्स मैंने अंदाज़ा लगाया क्योंकि इसका जो स्पीडोमीटर है वो ऑफ था। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इंटीग्रेटेड ये LED टेल लाइट है और इसमें ये सर्कल्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स इसी में माउंटेड मिलते हैं और रेयर प्रोफाइल में यहाँ आपको सुजुकी की स्टिकरिंग मिलती है और ये नंबर प्लेट को लाइटन करने का बल्ब मिलता है और ये पूरा मडगार्ड आपको मिलता है यहाँ पर। अब अगर आप साइड प्रोफाइल से थोड़ा सा एग्जॉस्ट को देखेंगे तो एग्जॉस्ट जो है वो बॉडी से
थोड़ा सा बाहर से नज़र आ रहा है, अगर इसमें होंडा एक्टिवा जैसा थोड़ा सा लंबे शेप का एग्जॉस्ट होता तो वो इसमें और ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिल पाता आपको। रेयर व्हील की बात करें तो रेयर व्हील आपको 10 इंच का मिलता है जो कि छोटा व्हील है। अब आप अगर देखिए, अगर मैं आपको दूर से दिखाऊंगा तो आपको बॉडी थोड़ी सी डिस्प्रोपोर्शनेट लगेगी, वो इसलिए क्योंकि एक तो फ्रंट व्हील 12 इंच का है, रेयर व्हील उससे छोटा है। रेयर व्हील अगर कंपनी बढ़ा देती तो ये जो पार्ट है ये पूरा बहुत अच्छा दिखता और प्योर मैक्सी स्कूटर वाला आपको इसमें लुक देखने को मिल जाता। साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कलर स्कीम है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर मैट स्कीम मिलती है और यहाँ पर आपको ग्लॉसी पेंट स्कीम मिलती है। बर्गमैन का जो है यहाँ पर बैजिंग मिलती है और स्ट्रीट की स्टिकरिंग मिलती है। सुजुकी इको परफॉर्मेंस, जिसमें सुजुकी बोलता है एल्युमिनियम इंजन यूज़ करा है, लाइट वेट इंजन है जिससे रिफाइनमेंट लेवल्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, माइलेज अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। और अब ये BS6 हो गई तो आपको यहाँ पर BS6 का स्टिकर मिलता है। पैनलिंग की फिट एंड फिनिश की बात करें तो कहीं से भी पैनल्स ऐसे हिल नहीं रहे, देखिए बहुत अच्छे से स्टर्डीनेस से बिल्कुल फिटेड हैं पैनल्स, कहीं से भी आपको वाइब्रेशन या रैटलिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। फिट एंड फिनिश अगर फुटरेस्ट का देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, एल्युमिनियम फुटरेस्ट मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा दिखेगा, इस पर कोई रस्टिंग प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। नई चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी BS6 मॉडल में वो है ये इंजन किल स्विच। इंजन किल स्विच बहुत सी स्कूटर्स में कंपनीज देने लगी हैं, सुजुकी थोड़ा सा लेट हो गया मगर यहाँ पर कुछ नई चीज़ लेके आया है। ये इंजन किल स्विच की तरह भी काम करेगा और ये सेल्फ स्टार्टर की तरह भी काम करेगा, आप इसको दबाएंगे तो सेल्फ स्टार्ट होगी, इसको दबाएंगे तो यहाँ पर इंजन किल हो जाएगा यानी कि इंजन बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिलती है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम स्विच मिलता है और अभी भी सुजुकी ने इसमें पास लाइट स्विच प्रोवाइड नहीं करा है। इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और ये आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। अब इसमें एक कमी मुझे ये महसूस हुई कि जब भी आप पार्किंग ब्रेक आप स्कूटर में जाते हैं कहीं पर और आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो क्योंकि स्कूटर में गियर नहीं होता, गियर में डाल के आप खड़ी नहीं कर सकते, तो ये जो है यहाँ पर पार्किंग ब्रेक की कमी मुझे इसमें महसूस हो रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है जो कि काफ़ी अच्छा है और अब इसमें इंजन ट्रिपल लाइट आ गई है क्योंकि BS6 हो गई है। फ्यूल इंजेक्शन की कोई भी प्रॉब्लम ये लाइट आपको इंडिकेट कर देगी और अभी इसलिए जल रही है क्योंकि इसका जो स्पीडोमीटर केबल है वो निकली हुई है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, या आपको कोई मेल फंक्शन लाइट मिलती है, गाड़ी में कोई मेल फंक्शन हो गई, ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ आपको क्लॉक मिलती है, ये डिजिटल फ्यूल गेज मिलती है और ये डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है और यहीं पर आपको डिजिटल ऑडोमीटर मिलता है और ये आपको वोल्ट मीटर मिल रहा है जो कि आपको ये दिखाएगा कि बैटरी वोल्टेज कितना आ रहा है। तो क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन दे दिया तो ये एक यूज़फुल फीचर है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि कम वोल्टेज पे थोड़ी प्रॉब्लम देने लगता है और दूसरी चीज़ें भी कम वोल्टेज पे प्रॉब्लम देती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ सुजुकी ने इसमें ऐड करी है। बाकी फीचर्स इसके वही आपको सब देखने को मिलते हैं, ट्रिप बी आपको इसमें मिल जाता है। की स्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पर मल्टीफंक्शन की स्लॉट देखने को मिलता है, जैसे कि ये की स्लॉट से आप अपने अंडर सीट स्टोरेज भी खोल सकते हैं और ये पुश शट है यानी कि इससे आप इसको बंद कर सकते हैं और फिर चाबी से आप इसको खोल भी सकते हैं। अगर आपको अंडर सीट स्टोरेज खोलना है तो आपका ये यहीं से खुल जाएगा, आपको की स्लॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें साइड पैनल पर भी कोई की स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर हम सीट की बात करें तो बर्गमैन में जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है वो है इसकी सीट। सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे, अटेंशन टू डिटेल काफ़ी अच्छी है, सीटिंग जो है रेड स्टिचिंग के साथ आपको देखने को मिलती है, सीट कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है और देखिए आप देख सकते हैं कितना लॉन्ग आपको सीटिंग रूम मिलता है इसमें, मतलब पिलियन और राइडर दोनों बहुत इसमें आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये फ्रंट स्टोरेज ऑप्शन मिलता है, ये एक ओपन पॉकेट है, कोई ग्लोव बॉक्स नहीं है, जिसमें अप्रॉक्स 0.5 लीटर या 1 लीटर की बॉटल फिक्स हो सकती है और यहाँ आप मोबाइल भी रख सकते हैं। यहाँ आपको एक फ्रंट लगेज कैरिंग हुक मिलता है और ये आपको मिलता है यहाँ पर ग्लोव बॉक्स जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो थोड़ी सी ऐसे हिल रहा है लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है और ये देखिए आप यहाँ पर इसमें कंपनी ने यहाँ पर ये भी दिया है, मतलब थोड़ी सी स्पंज दिया है जिससे यह सील होके बंद हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग स्लॉट मिलता है इसके अंदर जो कि काफ़ी अंदर है, लेकिन अगर आप मोबाइल चार्जिंग स्लॉट में मोबाइल लगा के यहाँ रख देते हैं तो आपका मोबाइल भी चार्ज होता रहेगा। दूसरा अंडर सीट हुक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि रिट्रैक्टेबल हुक है, ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी आप सामान टांग सकते हैं, अपना हैंग कर सकते हैं। और जो फुटबोर्ड है उसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, पैर आप इस पर आराम से रख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं और पैर इसमें रखते हैं तो जैसे आपने बजाज एवेंजर देखी होगी उसका जो पोस्चर है कुछ उस टाइप का पोस्चर बनता है, हालांकि ये इतना दूर नहीं है राइडर से कि पैर आप लंबे फैला के रख सकें, लेकिन अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो दूसरी स्कूटर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आपको इसमें कंफर्ट मिलेगा। तो मैंने जैसा कि आपसे बोला कि इसका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैक्सी स्कूटर्स में होती है और इंडियन मार्केट में मैक्सी स्कूटर्स का कोई ट्रेंड अभी है नहीं, तो सुजुकी ने काफ़ी अच्छी चीज़ करी, 125cc में एक मैक्सी स्कूटर दी। तो यहाँ पर जब भी आप पैर फैला के रखेंगे तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी, जैसे कि आपने एवेंजर चलाई होगी वो टाइप का फील देगी। हैंडल बार की पोजीशन काफी रिलैक्स्ड है, अपराइट है, अगर आप पिलियन को बिठाते हैं तो देखिए पिलियन के लिए भी काफी अच्छा कंपार्टमेंट रह जाता है। सीट कुशनिंग जो है वो काफी अच्छी
अच्छी है। सीट का कुशन आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है, बिल्कुल सॉफ्ट सीट है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। और पैर फैला के बैठ के आप मतलब सिटी के लिए कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर आप सिटी के लिए ले रहे हैं तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप एक्सेस पर जा सकते हैं, वो भी अच्छी कम्फर्टेबल है। और अगर आप 125cc से ये चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत टूरिंग भी करें, थोड़ी हाईवे राइडिंग भी करें, तो इस पे आप जा सकते हैं। वैसे 125cc हाईवे राइडिंग के लिए कम डिस्प्लेसमेंट है, मगर अगर आपकी ये चॉइस है कि आपको हाईवे राइडिंग करनी है तो बर्गमैन विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अंडर सीट स्टोरेज देखें तो ये काफ़ी अच्छा आपको अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अब एक कमी है महसूस हुई प्रैक्टिकलिटी में, कंपनी प्रैक्टिकलिटी इसकी बढ़ा सकती थी कि ये जो फ्यूल टैंक है ये कंपनी बाहर कर सकती थी। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक इसमें आपको नहीं देखने को मिलता, जो कि पेट्रोल पंप्स पर मुझे, मैंने भी जब फ्यूल भरवाया तो वो एक इशू बन गया, मुझे बार बार उतरना पड़ा। वहीं एक्सेस जब मैं लेके आता हूँ रिव्यू के लिए तो उसमें मुझे ऐसा कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता। अगर हेलमेट रखने की बात आए तो ये देखिए मेरा फुल साइज़ हेलमेट है LS2 का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको मैं अगर इसमें फ़िक्स करता हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आ गया है। अगर आप मीडियम साइज़ फुल फेस हेलमेट रखेंगे तो वो आराम से आ जाएगा। और सीट एक बार बंद करके देख लेते हैं तो सीट बंद नहीं हो रही है, तो फिक्स तो यहाँ पर आ गया है मगर सीट बंद नहीं होगी। तो अगर मीडियम साइज़ फुल फेस हेलमेट आप दूसरा रखेंगे या हाफ फेस हेलमेट रखेंगे तो वो इसमें इजीली फिट हो पाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा आपको कम लगेगा, लेकिन जब मैंने राइड करी तो ग्राउंड क्लियरेंस मुझे भी ये चीज़ कमी महसूस हो रही थी। 160mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आ रही थी मुझे। ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा साइड से स्क्रैच करता है स्पीड ब्रेकर से, तो ये आपको थोड़ा सा बचाकर चलना पड़ेगा, जो कि मोस्टली ज़्यादातर स्कूटर्स में होती है चीज़, तो कंप्लेंट करने का ऐसा सच है नहीं, मगर फिर भी जब मैंने चलाई तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा फील हुई। अब एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नए नए इंसान हैं जिसको अभी नई टेक्नोलॉजीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसमें बता देता हूँ फ्यूल इंजेक्शन, जिसमें क्या होता है कि अब आपको माइलेज सेट कराने की झंझट हो चुकी है ख़त्म, जिसमें अब आप बार बार आप सर्विस सेंटर जाओ, बोलो मैकेनिक से भी माइलेज सेट कर दो, माइलेज कम दे रही है, अब माइलेज सेट करने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे वर्क करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 5.5 लीटर्स की है। फ्यूल पंप की जो हाइट होती है वो टैंक से थोड़ी सी ऊपर रहती है, तो इस वजह से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये वॉर्न कर रहा हूँ ये चीज़ कि वो जो फ्यूल पंप और फ्यूल इसकी कॉस्ट रहती है वो 10-1000 के आसपास होती है, बहुत महंगी कॉस्ट होती है, जेब पे भारी पड़ सकती है। तो इसलिए पेट्रोल जो रहता है 2-2.5 लीटर अप्रॉक्स इसमें मेंटेन करके रखें, या टैंक में अपने आप खोल के देख लें कि फ्यूल पंप की हाइट कितनी है, फ्यूल पंप की हाइट के ऊपर ही पेट्रोल रखना चाहिए। कर्व वेट की अगर हम बात करें तो 110kg का आपको यहाँ पर कर्व वेट मिलता है। वैसे हम कह सकते हैं कि लाइट वेट है, और आप ये सोचेंगे लाइट वेट होने की वजह से हाईवे पर थोड़ी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी कम होगी, मगर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बिल्कुल डिसेंट है, ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी। अगर आप पिलियन के साथ राइड करेंगे, सिंगल राइड करेंगे, दोनों में आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं भी हाईवे पर गाड़ी को चला के आया हूँ तो क्रूजिंग स्पीड में भी ओवरऑल मज़ा आ रहा था, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, इंजन एकदम रिफाइंड बेहतरीन, पिकअप भी इसका काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। तो दोस्तों आई होप आपको ये रिव्यू पूरा पसंद आया होगा, काफ़ी डिटेल में आपको मिल गया होगा। मेरा चैनल लोगों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में बात करता हूँ, और कमेंट्स में भी यही चीज़, जब मैंने MT15 का भी रिव्यू करा तो उसमें बहुत सारी यही चीज़ जो है यही कमेंट्स आए थे कि आपने ये वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाई है। वैसे मैं सिनेमैटिक शॉट्स के साथ बनाता हूँ, लेकिन सिनेमैटिक शॉट्स भी आपने देख ही लिए होंगे तो आपको मज़ा आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, और जी हाँ अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरी देख के क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है वीडियो में आंसर हो जाते हैं मगर लोग वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं वहाँ पर, वहाँ भी आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।